नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ये, पहली बार इतने ज़्यादा पद निकले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में मैं आपको ऐसी जानकारियाँ बताऊँगा जो कि बहुत ही रेयर लोगों को पता होती हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट कराता है वो एसएससी कराता है, या फिर जो पैरामिलिट्री की कराता है वो भी एसएससी कराता है या फिर यूपीएससी कराता है, ठीक है। तो ये कौन सी भर्ती है जो कि दिल्ली पुलिस स्वयं कराने वाला है? दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, चाहे वो पैरामिलिट्री ही क्यों ना हो, एक वैकेंसी निकलती है जिसका नाम होता है HCM, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ। CRPF के अंदर भी निकलती है दोस्तों, BSF में भी निकलती है। तो इसी तरीके से ये दिल्ली पुलिस के अंदर भी है दोस्तों, और ये एक तरीके की क्लैरिकल जॉब होती है, ठीक है। अगर पुलिस के अंदर दोस्तों, अगर किसी मतलब रिलैक्स वाली, वैसे तो होती नहीं है, आपको ये पता है कि पुलिस की नौकरी कभी भी रिलैक्स की नहीं होती है। इसकी एक तो टाइमिंग इस तरीके की होती है कि आपको नाइट शिफ्ट में भी जाना पड़ सकता है, दिन में भी जाना पड़ सकता है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। मगर ये जो दोस्तों क्लेरिकल स्टाफ है, ये अगर देखा जाए उनकी अपेक्षा तो इस वाली नौकरी में काफ़ी आराम रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये क्लेरिकल है, आपको फील्ड जॉब इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप वैकेंसी देखेंगे, 372 वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती हैं, और फीमेल के लिए 182 वैकेंसी हैं इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों। इसके अलावा जो इसका ग्रेड पे है दोस्तों, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, 7th पे कमीशन के बाद इसके लिए लेवल 4 है दोस्तों। और बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या फिर एज क्या चाहिए। पहले तो दोस्तों एज पे हम बात कर लेते हैं, इसमें 18 से लेकर 25 साल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इसे एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। OBC में दोस्तों 28 है, SC ST में 30 साल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप, हमें भी पता है कि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी टाइपिंग बड़ी धुरंधर है, तो अगर आपके पास टाइपिंग अच्छी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, अगर आपकी एज कम्प्लीट हो रही है तो, ठीक है दोस्तों। एज आपने देख ही लिया कि किस पे कौन सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। इसमें दोस्तों सिंपली आपको 10+2 चाहिए, अगर आपने 10+2 किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो आपके पास प्रोफेशनली कुछ चाहिए तो वो चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 25 की, दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए आपका, इसमें मतलब यही है। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा पुलिस का जो फिजिकल होता है वो काफ़ी टफ होता है, मगर क्योंकि क्लेरिकल कैडर पे और जिनकी टाइपिंग अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो है रनिंग भी अच्छी हो, इसीलिए इसमें रिलैक्स किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप नॉर्मल रेस देखें जो कि सिपाही रैंक पे या फिर SI रैंक पे होती है, तो 1600 मीटर जो है दोस्तों वो मांगी जाती है 6.5 मिनट के अंदर, मगर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रखा है, 7 मिनट के अंदर आप कर दीजिए, ठीक है। और उसी तरीके से लॉन्ग जंप और हाई जंप पे भी इसी तरीके की छूट है, और साथ में अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आपको जो समय है वो दोस्तों 8 मिनट है, इसके लिए बढ़ा दिया गया है, और अगर 40 से अबव है तो आपको जो है 9 मिनट है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, जो भी कैटेगरी में जिन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा होगा एज में, वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए ये दे रखा है, तो इसमें एक तरीके से रिलैक्स किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम हाइट में भी बात करें, क्योंकि कई लोग ये सोचते होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है दिल्ली पुलिस के लिए, 170 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है 165 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप 100 जनरल कैटेगरी के भी हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर है तब भी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स आपको दे रखा है इसके अंदर, जो एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है, यानी कि जो कि जनरल ड्यूटी वाली होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चेस्ट की बात करें तो 78 से लेकर 82, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए इसके अंदर, और यही इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों। बस आपका मेडिकल थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, और जल्दी ही ये फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, मतलब पुलिस के हिसाब से अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है तो ये वाली वैकेंसी क्लेरिकल कैडर के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब एक तरीके से आपको ड्रेस भी मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो प्रमोशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप नॉर्मल वाली देखेंगे तो उसमें एक सिपाही से हेड कांस्टेबल बनने में ही बहुत समय लग जाता है। पहली चीज़ तो आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल जा रहे हैं, उसके बाद जो आपका ASI का प्रमोशन होगा जो कि 2800 ग्रेड पे होता है, वो भी बहुत जल्दी होता है, इसमें जो है जल्दी होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 100 नंबर का होगा। उसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई है, उससे कोई नंबर नहीं है, मगर टाइपिंग के आपके जो हैं
25 नंबर हैं दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको इसमें नंबर मिलने वाले हैं और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो है वो क्वालिफाई नेचर की। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों 125 नंबर का बनेगा, 125 में से मेरिट बनेगी और 25 नंबर इसमें आपके टाइपिंग पे मिलने वाले हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जो 25 में से 25 भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, इसमें आने वाला है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश आएगी, उसके अलावा कंप्यूटर का आएगा। 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। ये पूरा आपका वो है सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, और 14 या 15 तारीख से ये फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए जानकारी आपको अभी से दे दी है कि आप अपना माइंड मेकअप कर लें अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हो। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम GS के MCQ और साथ में PDF प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।